हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द एंट एंड द ग्रास होपर बाय विलियम समरसेट मॉगम क्या जो है ये कहानी है, शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल बॉय, जब मैं एक बहुत छोटा लड़का था, I was made to learn by heart, तो मुझे दिल से सिखाया गया था, अच्छे से सिखाया गया था, याद कराया गया था, certain fables of LaFontaine, LaFontaine की कुछ कहानियाँ, fables कहानी, वो कहानियाँ होती हैं जिसमें कैरेक्टर जानवर होते हैं और जिससे हमें कुछ नैतिक शिक्षा मिलती है। ओके, कुछ उपदेश मिलते हैं कुछ, एंड द मॉरल ऑफ ईच, और हर एक का मॉरल, हर एक का उपदेश was carefully explained, ध्यान से अच्छे से explain किया गया था तुम्हें मुझे। Among those, उनमें से I learned, जो मैंने सीखा था, was the ant and the grasshopper, ant और grasshopper का चींटी और टिड्डा की कहानी थी, which is devised, जो बनाया गया था, लिखी गई थी to bring home मतलब है कि किसी को realize करना, सही और गलत का एहसास दिलाना। okay, तो टू द यंग, नौजवान लोगों को एहसास दिलाने के लिए, टू ब्रिंग होम द यूजफुल लेसन, वो कहानी यूजफुल जो सबक था उसमें, दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, के एक अपूर्ण दुनिया में इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे है हार्ड लेबर एंड एफर्ट इज रिवॉर्डेड, कि इस अपूर्ण दुनिया में, इम्परफेक्ट वर्ल्ड में इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड, इंडस्ट्री जो है हार्ड लेबर को रिवॉर्ड मिलती है। ओके, एंड लेजनेस पनिश्ड, और जो आलसीपन होते हैं उनको सजा मिलती है, तो जो मेहनती होते हैं उनको इनाम मिलता है और जो आलसीपन दिखाते हैं उनको सजा मिलती है। इन दिस एडमरेबल फेबल, इसमें जो सराहनीय कहानी है द एंट एंड ग्रास होपर, जो काबिल तारीफ कहानी जो है, इसमें आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग विच एवरी वन इज़ पोलाइटली, मैं इसमें जो माफ़ी चाहता हूँ कुछ कहने के लिए, जिसको लेकर एवरी वन इज़ पोलाइटली, वो पोलाइटली होते हैं, बट एग्जैक्टली, लेकिन वो इन एग्जैक्टली नहीं है, वो सही नहीं है, सपोज टू नो, अगर माना जाए तो, देखा जाए तो, वो क्या चीज़ है देखते हैं। द एंट स्पेंड्स अ लेबोरियस समर, जो चींटी होती है पूरा समर, पूरा गर्मी का मौसम बहुत मेहनत से गुजारती है, गैदरिंग हर विंटर स्टोर, गैदर जमा करती है हर विंटर स्टोर, अपना विंटर का, सर्दी के मौसम का जो अपना भंडार है, जमा करती है खाने का। वेल द ग्रास ऑफ सीट्स ऑन ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब कि घास के एक जो लीव्स होता है उसको ब्लेड कहते हैं, कि वहाँ पर उस पर बैठ के वो टिड्डा जो है कि ग्रास के एक ब्लेड पर बैठती है, बैठी रहती है, सिंगिंग टू द सन, और धूप में गाती रहती है। विंटर कम्स, विंटर आता है, एंड द एंट इज कम्फर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, और जो विंटर आता है एंड द एंट, और चींटी जो है आराम से अपना गुजारा कर लेती है, प्रोवाइडेड फॉर, गुजारा उसका चल जाता है, कर लेती है। बट द ग्रासहॉपर हैज़ एन एम्प्टी लार्डर, लेकिन ग्रासहॉपर का, टिड्डा का जो है खाली आपका भंडार होता है। ही गोज टू द एंट, वो एंट के पास जाता है, एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, और थोड़े से भोजन की भीख मांगता है, थोड़े से खाने की भीख मांगता है। देन द एंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, तब जो चींटी है उसका अपने क्लासिक आंसर देता है, उत्तर देता है, सेविंग योर प्रेजेंस, माफ़ करिएगा, सॉरी, यहाँ से है कि व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम, कि तुम समर के समय में, गर्मी के समय में व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, सेविंग योर प्रेजेंस, माफ़ करिएगा, आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट, मैं गाता था ऑल डे ऑल नाइट, सारा दिन सारी रात, यू सेंग, तुम गाते थे, वाई क्यू, दिन गो एंड डांस, तो जाओ और नाचो। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, मैं इस कहानी को याद करने से रोक नहीं पाया खुद को, यानी कि मुझे ये कहानी याद आ ही गई। वेन, जब दी अदर, जब दूसरे दिन आई सॉ जॉर्ज रामसे, जब मैंने जॉर्ज रामसे को देखा, लंच करते हुए बाई हिमसेल्फ, खुद से इन अ रेस्टोरेंट, यानी कि अकेले, जब उसको हम रेस्टोरेंट में अगले उसको अकेले खाते हुए देखे, तो ये कहानी मुझे याद आ गई अचानक सी,
आई नेवर सॉ एनी वन, मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा था। वियर एन एक्सप्रेशन, वियर एन एक्सप्रेशन ऑन फेस का मतलब होता है चेहरे पे कुछ छा जाना, जैसे वियर एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का छा जाना, उनकी परछाई होना। तो वियर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम, इतनी गहरी दुख की परछाई उसके चेहरे पर छाई हुई थी, इतना मुरझाया हुआ सा उसका चेहरा था। इसको देखकर मुझे कहानी याद आ गई, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था उसके चेहरे पर इस तरह की उदासी। ही वॉज स्टीयरिंग इन टू स्पेस, वो आकाश में देख रहा था, तक रहा था, घूर रहा था। यहाँ पे आकाश में तकने का मतलब ये है कि कुछ नहीं देख रहा था, इसका मतलब जो जैसे जब किसी की कोई व्यक्ति काफ़ी चिंतित होता है या फिर कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो कहीं अगर वो निगाह तो उसकी कहीं और होती है, लेकिन वो हकीकत में देख नहीं रहा होता बल्कि उसके कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तो ही वॉज स्टीयरिंग इन टू स्पेस, वो देख रहा था मतलब कुछ सोच रहा था, हकीकत में देख कुछ नहीं रहा था। तो ही लुक्ड, वो ऐसा दिख रहा था एज दो कि मानो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का बोझ वर्ल्ड सेट ऑन हिज शोल्डर्स, के उसके कंधों पे रख दिया गया हो। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मुझे उसे देखकर काफ़ी अफसोस हुआ। आई सस्पेक्टेड एट वंस, शक हुआ दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर, दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर, कि उसका बदकिस्मत भाई, उसका अभागा भाई हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, फिर से उसको परेशान कर रहा था। आई वेंट अप टू हिम, उसमें उसके पास गया एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और मैं अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो आया, तुमने पूछा। इज इट टॉम अगेन, क्या फिर ये टॉम है। ही साइड, वो आ भरा, यस इट्स टॉम अगेन, हाँ ये टॉम ही है, फिर दोबारा टॉम ही है। वाई डोंट यू चक हिम, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। यहाँ चक के मतलब है छोड़ देना, किसी से कोई रिश्ता नाता तोड़ देना। ओके तुम उसको छोड़ नहीं करते, उससे तुम नाता क्यों नहीं तोड़ देते। यू हैव डन एवरी थिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने इस दुनिया में उसके लिए बहुत कुछ किया है, हर चीज़ किया है। यू मस्ट नो बाई नाउ, तुमको तो अब तक जान जाना चाहिए दैट ही इज़ क्वाइट हॉपलेस, क्योंकि उससे उम्मीद लगाना बेकार है पूरा। आई सपोज, मैं मानता हूँ एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शिप, ब्लैक शिप के मतलब यहाँ आपका मीनिंग दिया हुआ है अ पर्सन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंड इज़ कंसिडर्ड बैड और एम्बैरेसिंग। तो ब्लैक शिप का मतलब यहाँ पर यह है कि वो व्यक्ति जो बदमाश होता है या अपने परिवार के लिए जो बदनामी का कारण होता है, तो उस उनका कहना कि मैं मानता हूँ कि एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शिप, कि हर परिवार में, हर खानदान में एक बदमाश या फिर खानदान को बदनाम करने वाला व्यक्ति होता है। टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल फॉर हिम टू हिम फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों तक टॉम उसके लिए एक बहुत ही अपसेट कर देने वाला पर्सन रहा, परेशान करने वाला रहा, यानी कि 20 साल तक उसको परेशान करता रहा। ही हैड बिगन लाइफ रिसेंटली इनफ, वो काफ़ी सीधी सारी ज़िंदगी शुरू किया था उसने, किसने, टॉम ने। ही वेंट इन टू बिजनेस में गया, मैरिड, शादी की, एंड हैड टू चिल्ड्रेन, उसके 2 बच्चे थे। द रामसेज यानी ये रामसे का जो परिवार है, पूरे खानदान को कहा जा रहा है, जो टाइटल है उनका, द रामसेज वर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल, रामसेज जो है काफ़ी इज्जतदार लोग थे। एंड देयर वॉज एवरी रीज़न, और हर कारण था टू सपोज, ये मानने का, दैट टॉम रामसे वुड्स हैव अ यूजफुल एंड ऑनरेबल करियर, कि एक उसका फ़ायदेमंद और एक इज्जत के लायक ऑनरेबल भविष्य होगा, करियर होगा। बट वन डे, लेकिन एक दिन, विदाउट वार्निंग, बगैर किसी वार्निंग के, ही अनाउंस, उसने ये घोषणा किया, ऐलान किया, दैट ही डिडेंट लाइक वर्क, कि उसे काम पसंद नहीं है था, एंड दैट ही वॉजन्ट सूटेड फॉर मैरिज, और शादी उसको नहीं भाती है, साधु उसके लिए अनुपयुक्त है। ओके, तो ही वॉन्टेड टू इन्जॉय हिमसेल्फ, वो खुद से इन्जॉय करना चाहता था, मज़े करना चाहता था। ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े से पैसे थे, एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप, यूरोप के अलग अलग विभिन्न नगरों में, राजधानियों में वो 2 साल बड़े एकदम गुजारा, खुशी गुजारा। र्यूमर्स ऑफ हिज डूइंग्स, उसके कारनामों के जो कारनामे के अफवाह, रीच्ड हिज रिलेशंस, उसके रिश्तेदारों तक पहुंची, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। एंड दे वर प्रोफाउंडली शॉक, उन्हें काफ़ी बहुत शॉक हुआ, बहुत उनको दुख हुआ,
ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम, वाकई में उसकी समय अच्छा गुजर रहा था। दे शूक देयर हेड्स, और लोगों ने अपना सर हिलाया मैंने दुख में, ये एंड आस्क्ड, पूछा व्हाट वुड हैपन व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट, कि क्या होगा जब उसका पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो दे सून फाउंड आउट, तो उसने जब तुरंत उनको पता चला दैट ही बोरोड, कि उसने कर्ज लिया था। ही वॉज चार्मिंग, वो चार्मिंग था, उन्हें चार्मिंग काफ़ी आकर्षक था, उन्हें बहुत ही जल्दी सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। ही वॉज चार्मिंग एंड अनस्क्रपुलस, मतलब बहुत बेईमान था एकदम। आई हैव नेवर मेट एनी वन, मैंने आज तक कभी अभी तक किसी को ऐसा नहीं देखा, नहीं मिला, टू होम जो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिफ्यूज अ लोन, जो उसको कोई कर्ज देने से इनकार करे, यानी कभी भी, यानी इतना अट्रैक्टिव था कि वो अपने बातों में लुभा लेता था कि कोई उसको बगैर लोन, अगर वो लोन मांगता तो वो लोन देने से इनकार नहीं कर सकते थे। ही मेड अ स्टेडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से हमेशा लगातार इनकम कमाई करता रहता था, कमाता था। एंड ही मेड फ्रेंड्स इजली, और वो आसानी से दोस्त बना भी लेता। बट ही ऑलवेज, लेकिन वो हमेशा सेठ कहता था दैट द मनी, वो पैसे यू स्पेंट ऑन नेसेसिटीज, वो पैसे जो आप ज़रूरतों पर, आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं, वॉज बोरिंग, वो बोरिंग था। द मनी दैट वॉज अम्यूजिंग, वो पैसा दैट वॉज अम्यूजिंग, जिसमें मज़ा था टू स्पेंड, जिसमें खर्च करने में मज़ा आता था, वॉज मनी यू स्पेंट ऑन लग्जरी, जो आप शान शौकत में, ऐश आराम में खर्च करते हैं, उनको मजा, उसमें मज़ा आता है। तो ये उसकी कहना, उसका कहना था। फॉर दिस के लिए ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर, वो अपने भाई जॉर्ज पर निर्भर था। ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम, वो अपना आकर्षण उस पर वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि जानता था कि इसको लुभाने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो देना ही पड़ेगा। जॉर्ज वॉज अ सीरियस मैन, वो एक सीरियस आदमी था, एंड इनसेंसिबल था, जॉर्ज जो था इनसेंसिबल था, इनसेंसिबल टू सच इंटिसमेंट्स, इस तरह के जो वो लुभाने का उसका जो टेक्निक था, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो अपना ये स्किल जो है उस पर, अपने भाई पर अपना अप्लाई नहीं करता था। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल, जॉर्ज काफ़ी इज्जतदार था, व्यक्ति था। वंस और ट्वाइस, एक दो मरतबा ही फेल टू टॉम्स प्रॉमिस, टॉम्स के वादे में वो पड़ गया, ऑफ अमेंडमेंट, सुधार का, यानी उसने कहा कि मैं अपने आप को सुधार लूँगा, लेकिन उसको सुधारने के लिए उसने शर्त रखी, एंड गेव हिम कंसिडरेबल सम्स इन ऑर्डर, इसलिए और उसको अच्छा खासा पैसा दिया, इसलिए ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट, कि वो फ्रेश स्टार्ट करे, फिर से शुरुआत करे अपनी ज़िंदगी की, बिजनेस करे। ऑन दिस, इन पैसों पर टॉम बॉट अ मोटर कार, टॉम ने एक मोटर कार लिया, एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, और कुछ अच्छे जेवरा गहने लिए। बट लेकिन व्हेन, जब सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड जॉर्ज टू रियलाइज, जब हालात ने जॉर्ज को ये एहसास दिलाया, सोचने पर मजबूर कर दिया, ओके, दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कि उसका भाई कभी भी सेटल नहीं होगा, कभी अपने आप को नहीं सुधारेगा। एंड ही वॉश हिज हैंड्स ऑफ हिम, और उससे उसने अपना हाथ धो लिया, मैंने उससे अपना पीछा छोड़ा लिया। विदाउट अ कॉम, टॉम, टॉम जो है, टॉम विदाउट अ कॉम, बगैर झिझक, टॉम विदाउट अ कॉम, बगैर झिझक के बिगन टू ब्लैकमेल हिम, उसको ब्लैकमेल करने लगा, उसको धमकाने लगा। इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर, एक इज्जतदार लॉयर के लिए ये सही नहीं था, टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कॉकटेल्स बिहाइंड, टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कॉकटेल्स बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, उसके अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के बार के पीछे उसका भाई कॉकटेल्स हिलाए, उसको ये देख कर बार में अपने भाई को कॉकटेल हिलाते हुए अच्छा नहीं लगा। और टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्सीट ऑफ अ टैक्सी, टैक्सी के बॉक्सीट पे बैठा हुआ, उसको अच्छा नहीं लगता था कि मेरा भाई इस तरह बार के पीछे कॉकटेल हिलाए, कॉकटेल में शराबों को मिलाकर एक नया तरह का स्पेस बनाना, और टैक्सी पे बैठा हुआ, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। आउटसाइड हिज क्लब, क्लब के बाहर, टॉम सेड, टॉम कहता था दैट टू सर्व इन अ बार
इस बार में सर्व करना और काम करना और टू ड्राइव अ टैक्सी वॉज अ परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन, बहुत सीधा साधा काम था, सीधा साधा काम है, ऑक्यूपेशन है, पेशा है। बट इफ जॉर्ज कुड ऑब्लाइज हिम, ओके बट इफ जॉर्ज कुड ऑब्लाइज हिम विथ अ कपल ऑफ 100 pounds, अगर जॉर्ज कुछ 100 pounds देकर उसको अगर उसका एहसान पर उस पर एहसान करे तो ही डिडेंट माइंड फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली, तो वो परिवार की इज्जत के खातिर ऑनर ऑफ द फैमिली के लिए गिविंग इट अप, उसको छोड़ने में उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो बुरा नहीं मानेगा कि इस काम को छोड़ दे, वो बाहर के पीछे काम करना और टैक्सी चलाना काम छोड़ दे कि अपने परिवार की इज्जत के लिए। जॉर्ज फ्रेड जॉर्ज ने पैसे दिए। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, ओके नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम लोग तैयार करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।